डूब गया शहर, डूब गई स्मार्ट सिटी, डूब गया करनाल। पानी ही पानी, एक ही बारिश ने खोली नगर निगम से लेकर प्रशासन की पोल। मानसून का इंतजार था, बारिश की फवारों का हर कोई दीदार करना चाह रहा था, क्योंकि गर्मी ने सबके पसीने निकाल दिए। पर करनाल स्मार्ट सिटी में जब इस साल के मानसून की पहली बारिश हुई तो सब कुछ डूब गया। बाजार डूब गए, दुकानों में पानी घुस गया, घरों में भी कुछ ऐसा ही आलम था। लोग अपने अपने वाहनों को धक्का लगाते हुए नजर आए, क्योंकि पहली ही बरसात आफत बन कर आई। पहली बात बरसात थी, शहर के क्या हालात है भाई साहब? मानसून की तो अच्छी बात है, लेकिन जो सीएम सिटी है रोडों का बजट पास होता है और आपके सामने हालात हैं, सारी बिल्कुल सड़कें जाम हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। आप ध्यान से देखो बाइक के, गाड़ी, बाबूजी को देखो, बाबूजी कैसे बैठे हैं कुर्सी बिछा के। सबकी दुकानों में पानी घुसा हुआ है। क्या कहेंगे, करोड़ों रुपया लग गया, फिर भी पहली मानसून की बरसात नहीं। कोई नहीं है, वैसे बीजेपी का तय, कांग्रेस ने कर दिया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सब यही ऐसा हाल है। आप पानी देखो, जैसे पहले पानी भरता था वैसे पानी आ जाए, बड़े बड़े पाइप दबे गई हैं, लेकिन पाइप दबी कहाँ? सफाई कोई उसकी करता नहीं है, जिम्मेदार सफाई करते तनख्वाह नहीं मिलती। आपकी भी गाड़ी ये तो सीएम सिटी के ये हालात हैं। इतना पैसा, करोड़ों अरब रुपया आ रहा है जो सरकार इसके ऊपर लगा रही है, ना सड़कें हैं, ना सीवरेज की कोई निकासी है, ना कुछ है। ये सीएम सिटी के हालात हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं यहाँ, और ना ही कोई देखने वाला प्रशासन, सारे बाज़ार बंद पड़ा है, सब हालात जो है बहुत हुए हैं खराब। दुकानों के बाहर बैठे हैं, सारे दुकानदार दुकानों के बाहर बैठे हैं, सभी दुकानों के अंदर एक एक से दो दो फुट तक पानी अंदर घुसा हुआ है, और हर बदले का 20,000-50,000 लाख रुपए का नुकसान हुआ है कोरोना ने। और वैसे भी जो है बाजार के हालात इतने बुरे हुए हैं, उसके बाद जो है ये हालात हुए हैं। हालात तो बहुत ख़राब हैं, आज आपके सामने ही आप देख लीजिए यहाँ क्या हालात हैं। कोई ऐसी भी दुकान नहीं है जिसके अंदर पानी ना हो, और सारे नाले बंद पड़े हैं। कोई सफाई अगर हुई होती तो आज ये हालात ना होते। ये शुरू से ही है, आज नहीं, हमारे को 35 साल हो गए देखते हुए, रेलवे रोड के यही हालात हैं और यही रहे। जहाँ काम होना चाहिए वहाँ होता नहीं है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ टाइलें भी लग रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई सुधार नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। वहीं पहली बारिश के बाद नगर निगम और प्रशासन के नुमाइंदों का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। चलिए, हमारी जितनी टीमें हैं, हमारे जितने वाटर लॉग को निकालने के लिए पंपिंग सेट्स है, वो सारे मूवमेंट में, और मैंने मॉर्निंग में आके अपने सारे एक्शन साहिबान को इंस्ट्रक्शन जारी करती थी कि आप फील्ड में रहिए, और जहाँ पर भी हमें वाटर लॉगिंग की इशू आता है उसको इमीडिएटली मतलब ड्रेन करने का कोई प्रबंध कीजिए। और सेकंड, हमने अपनी फायर ब्रिगेड्स को भी अलर्ट और इमरजेंसी सारी टीम्स को अलर्ट कर रखा है। अब ये तो जो बात है जो आज की हम अडॉप्ट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, इसके अलावा आपके संज्ञान में है कि अमृत के तहत हम 100 वाटर पाइपलाइंस डाल रहे हैं, ताकि ये जो बरसात है, जो हमारा 100 वाटर है, इजली ड्रेन आउट हो जाए और इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। काफ़ी शहर में पड़ चुकी हैं, आज तो बरसात कुदरती ज़्यादा है। आज से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें फ्यूचर में और क्या प्लानिंग करने की आवश्यकता है, जिससे शहर में वाटर लॉगिंग ना रहे। और वैसे तो काफ़ी टाइम से, 4-5 साल से ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी नगर निगम में चल रहा है। आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमने पिछले 3-4 साल में काम किया उसके रिजल्ट्स आएंगे।